हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग की क्लास है और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो पजल्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन की ओर मूव करते हैं हम अपने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन है ये और SBI PO के मेन्स में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले आराम से, आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो जो टाइम आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए वो आप क्वेश्चन पढ़ने में ही लगाइएगा। क्योंकि तो अगर आपने पहले एक बार क्वेश्चन ये पढ़ लिया तो जब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा आपके साथ में अभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आप पूरी तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप अनजान बने रहेंगे। और आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर कोई फर्स्ट टाइम पजल्स की क्लासेस देख रहा है तो उससे साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जो पहले की पजल्स वाली क्लासेस है वो भी वो अवश्य देखें, जिससे ये जो क्वेश्चन है और जो पजल्स का टॉपिक अपना जो लास्ट स्टेज पे चल रहा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर वन पढ़ लिया होगा और कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं आया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं सॉल्यूशन पार्ट की ओर अपने। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो मुझे कमेंट। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं क्या कहा गया। देयर आर 10 स्लैब्स हैं, 10 स्लैब्स है नंबर 1 से लेकर 10 तक और उनको अरेंज किया गया है दो रोज में, वन अबव द अदर, एक नीचे और एक उसके ऊपर। द स्लैब्स 1 to 5 आर इन रो वन, जो 1 से 5 तक की हैं स्लैब्स वो रो वन में है और जो बाकी की 6 से लेकर 10 तक की है वो रो टू में है, और रो वन नीचे है और रो टू ऊपर है, तो ये भी कहा गया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में क्या कहा गया, कहा गया कि जो स्लैब्स हैं अरेंज की जा रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन टू देम, ठीक है जी। लाइक द शेल्फ नंबर वन इज प्लेस ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो वन, यानी नीचे के लेफ्ट रो लेफ्ट में आएगी, और देन स्लैब नंबर टू सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली द सेल्फ नंबर 6 इज प्लेस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो टू, ठीक है, यानी वो ऊपर वाले की लेफ्ट में आएगी वो दो नंबर है, एंड सो ऑन। ईच सेल्फ कंटेन्स ए सर्टेन नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स एंड फोटो फ्रेम्स, और हर सेल्फ में सर्टेन नंबर के क्या है, ग्लास के स्लैब्स हैं और फोटो फ्रेम रखे गए हैं। देयर आर एट लीस्ट 1 glass slab इन ईच सेल्फ, और हर सेल्फ में कम से कम 1 glass shelf है, एट लीस्ट 1, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 1 से कम नहीं होंगे। द लेंथ ऑफ ईच ग्लास स्लैब इज 15 cm, और जो लेंथ दी गई है हर ग्लास स्लैब की कितनी है, 15 cm है, और फोटो फ्रेम भी क्या है, 6 cm है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, आगे कहा गया है कि जो सेल्फ नंबर 3 है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 33 cm, इसमें फोटो फ्रेम भी है और ग्लास स्लैब भी है, ठीक है। देयर इज 1 shelf बिटवीन सेल्फ नंबर 3 एंड येलो सेल्फ, यानी 3 के और येलो के बीच में 1 shelf है। द येलो सेल्फ कंटेन 1 glass slab एंड 6 photo frame मोर देन डैट इन सेल्फ नंबर 3, ठीक है। क्या कहा गया, मतलब कि जो येलो की सेल्फ है उसके अंदर क्या क्या, 1 glass slab है और 6 photo frame ज़्यादा है 3 वाले सेल्फ से, ठीक है। तो 3 वाले में कितना अभी जब करेंगे जब देखेंगे। द सिल्वर सेल्फ इज जस्ट अबव द येलो सेल्फ, और जो सिल्वर वाली जो सेल्फ है
वो किसके ऊपर बताई गई है? येलो के ऊपर है। सिल्वर में क्या है? सेम नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स हैं जो येलो में हैं और एक फोटो फ्रेम है। और देर आर टू सेल्फ, और दो सेल्फ हैं सिल्वर और ग्रीन के बीच में। द लेंथ ऑफ ग्रीन सेल्फ की जो लंबाई है वो कहा गया है 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है सिल्वर से। और जो ब्लू सेल्फ है वो इज इमीडिएटली नेक्स्ट है किसके? नंबर टू ग्रीन सेल्फ, ठीक है। द ब्लू सेल्फ कंटेन्स 1 ग्लास स्लैब, और जो ब्लू सेल्फ है उसके अंदर यह है 1 ग्लास स्लैब ज़्यादा है सिल्वर वाले से और 1 फोटो फ्रेम कम है ग्रीन वाले सेल्फ से। देयर इज 1 सेल्फ, और एक सेल्फ है ब्लू और ऑरेंज के बीच में। यहाँ तक हो गया। फिर कहा गया है जो वाइट सेल्फ है वो जस्ट बिलो है ऑरेंज के, वाइट वाली ऑरेंज के जस्ट बिलो है, और एक सेल्फ है बिटवीन वाइट और रेड के बीच में, ठीक है। और जो काले रंग की जो सेल्फ है वो रो नंबर 2 में है, और जो पिंक सेल्फ है वो जस्ट बिलो है ब्लैक के। जो ब्लैक सेल्फ है सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम, और उसमें क्या है सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स है और इन ग्लास स्लैब्स में। और ऑरेंज सेल्फ क्या है? 1 ग्लास स्लैब मोर देन ब्लैक सेल्फ, और ऑरेंज में क्या है 1 ग्लास स्लैब ज़्यादा है ब्लैक से। द लेंथ ऑफ ऑरेंज सेल्फ, और जो लंबाई है ऑरेंज सेल्फ की वो क्या है 24 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे? लेंथ ऑफ पिंक सेल्फ से। और तो जो लेंथ है वॉयलेट सेल्फ की वो आधी है येलो से। और जो लाल है वो ज़्यादा ही ग्रेटर देन या इक्वल टू है 4 ग्लास स्लैब, उसमें कम से कम 4 आएंगे लाल सेल्फ वाले में। और जो लेंथ दी गई है पिंक सेल्फ की वो क्या है 6 सेंटीमीटर कम है उस वाले सेल्फ से जो उसके एकदम बाद आएगा, ठीक है। और जो टोटल लेंथ है रो नंबर 1 की वो कितनी है 267 सेंटीमीटर, और रो 2 की बताई गई है 249 सेंटीमीटर। और जो सम ऑफ द फ्रेम्स हैं इन द लेंथ ऑफ स्लैब एंड फोटो फ्रेम इन रो 2 क्या है 231 सेंटीमीटर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और 2017 के ये मेंस में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? क्या हमें सेल्फ बनानी है इसमें 5-5? एक, दो, तीन, चार और एक 5, ठीक है जी। एक, दो, तीन। कहा गया कि जो 1 है वो नीचे वाले में है, रो 1। यही कहा गया ना इसमें क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन में पूरा फोकस रखना, ये मेरी आप लोगों से निवेदन है, विनती है। और ये आपका 1 नंबर है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 हो गया, 8, 9 और 10 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। एक चीज़ और हम लिख लेते हैं इसी के साथ में कि जो ग्लास स्लैब है उसको हम डिनोट करेंगे GS से, और उसकी जो कहा गया 15 है
और जो पीएफ मतलब फोटो फ्रेम है उसका है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हम डिनोट करने वाले हैं इसमें। फिर उसमें क्या कहा गया था कि कम से कम क्या होगा, एक GS, यानी GS होगा कम से कम एक, ये वाला। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो 3 नंबर है उसकी जो टोटल लेंथ है 33 सेंटीमीटर है, तो इसमें कोई GS भी होगा और कोई फोटो फ्रेम भी होगा। तो GS क्या है 15 और PF क्या है 6। इन केस अगर हम इसको 2 कर दें 30 36 हो जाएगा, हो नहीं सकता, एक ही करना पड़ेगा। तो 15 6 3 18, तो इस प्रकार से आएगा 33 यहाँ पे। फिर कहा गया है कि एक सेल्फ है 3 के और येलो के बीच में, तो हम इसको येलो मान लेते हैं। अगर जैक करेगा तो हम फिर देखेंगे। और येलो सेल्फ कंटेन्स 1 ग्लास लैब। अब इसमें क्या है, ग्लास लैब्स है और फोटो फ्रेम है। कहा गया 1 GS गुणा 1, तो कितना हो गया 15। और 6 फोटो फ्रेम ज्यादा है 3 वाले से, तो इसमें 3 थे तो 9 हो गए। कितना हो गया, 54, यही हुआ ना। देखो फिर से पढ़ो, येलो सेल्फ कंटेन 1 ग्लास लैब एंड 6 फोटो फ्रेम्स मोर, यानी ये भी 1 ज्यादा है भाई, तो 2 हो गए, 30 आ गया ये भी। समझ रहे हो ना, ये हो गया 84। अगर जैक करेगा तो मैं ग्रीन पेन यूज करके इसके ओवरराइट करूंगा। ठीक है, फिर क्या कहा गया इसमें, फिर कहा गया है इसमें जो सिल्वर है वो येलो के ऊपर है। ठीक है, सिल्वर आ गया, सिल्वर में क्या क्या है, सेम नंबर ऑफ ग्लास लैब्स येलो एंड 1 फोटो फ्रेम, मतलब जो ग्लास लैब्स हैं वो तो येलो वाले ही हैं, मतलब 15 गुणा 2 30। और जो फोटो फ्रेम है वो 1 है, यानी 6 गुणा 1 मतलब 36। ठीक है जी, ठीक है। और सिल्वर और ग्रीन के बीच में 2 हैं, 1 2, तो ये हो गया ग्रीन। और जो लेंथ है ग्रीन की 3 सेंटीमीटर ज्यादा है सिल्वर से, मतलब 39। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब्स भी आएंगे और फोटो फ्रेम भी आएंगे, तो कम से कम ये तो एक आएगा ही आएगा, 2 रख लूंगा तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये तो एक ही आएगा, तो 15 तो ये आ गए। अब मुझे कितने चाहिए, 24 और चाहिए, 15 ये हो गए, 6 4 24 ये 39 हो गया। ठीक है जी, द ठीक है ठीक है। द ब्लू सेल्फ इज इमीडिएट नेक्स्ट इन नंबर टू ग्रीन सेल्फ, ग्रीन के बाद में ब्लू।
ठीक है। द ब्लू सेल कंटेन वन ग्लास लैम मोर देन सिल्वर, सिल्वर से एक ज्यादा है। जी एस का मतलब 15 × 2 कितने हो गए 30, और फोटो फ्रेम के लिए कहा गया है एक कम है ग्रीन से। एक सेकंड फिर से पढ़ो, ब्लू के अंदर क्या है एक ज्यादा है सिल्वर से ग्लास लैम। ठीक है देखा ध्यान से नहीं पढ़ना, एक ज्यादा तो दो हो गए ना। हाँ ठीक है ठीक है। और एक फोटोफ्रेम कम है ग्रीन से, सिल्वर से तो एक ज्यादा है, सिल्वर से बोला एक ज्यादा है ग्लास लैम। ओके ओके सिल्वर ये रहा दो, तो यहाँ पे तीन ही आएंगे। और ग्रीन से एक कम है तो 3, 18 कितना हो गया ये 63। ठीक है देयर इज वन सेल्फ बिटवीन ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज के बीच में एक है, इधर जा नहीं सकता इधर आएगा फिर ऑरेंज। The white shelf is just below the orange. और ऑरेंज के नीचे जस्ट वाइट। There is one shelf between white or red. White or red. White or very red. ठीक है आगे कहाँ गया क्वेश्चन। ब्लैक सेल्फ इज इन रो टू, ब्लैक जो है वो दो नंबर में है यानी इसमें है ब्लैक। ठीक है जी। पिंक सेल्फ इज जस्ट बिलो द ब्लैक सेल्फ, ब्लैक के नीचे पिंक है। ब्लैक सेल्फ हैज सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम और ग्लास लैब, ब्लैक के अंदर क्या सेम नंबर के फोटो फ्रेम भी सेम और ग्लास लैब भी सेम है, मतलब फोटो फ्रेम भी और ग्लास लैब भी यानी 15 और 6 कितने कितने हैं वो देखते हैं। ऑरेंज सेल्फ हैज वन ग्लास लैब मोर देन ब्लैक, ऑरेंज में ब्लैक से एक ज्यादा है। ग्लास स्लैब 15 × और फोटो फ्रेम 6 × ब्लैक से एक ज्यादा इसमें, यहाँ पे 1 भी कर देते हैं +1। और ब्लैक सेल्फ हैज सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम, ठीक है ऑरेंज का हो गया। लेंथ है ऑरेंज सेल्फ की 24 सेंटीमीटर ज्यादा पिंक वाले से, तो जो इसका टोटल आएगा पिंक +24। ठीक है जी। लेंथ ऑफ वायलेट सेल्फ इज हाफ द लेंथ ऑफ येलो सेल्फ, येलो की हाफ है वायलेट, यहाँ पे येलो वायलेट तो इसका हाफ मतलब 42 मतलब यहाँ पे जी एस और पी एफ 15 तो दोनों के दो दो करके ही आएंगे 30 और 12। और जो लेंथ है वॉलेट की हाफ हो गई, जो रेड कलर का है रेड ये क्या कहा गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ग्लास लैब, ये तो कह रहा है कि
इसका मतलब यहाँ पे हुई है गड़बड़। पता चला अब आपको? देख रहे हो, ये चीजें हमें पहले पता चल जाती, लेकिन अभी हम एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं। उसमें क्या कहा गया था, रेड में, अभी मैं लिख देता हूँ जैसे यहाँ पे GS क्या है, 4+ होनी चाहिए। कैसे पता चल जाती है मैं आपको अभी ये बताता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता चल गया कि इसमें तो 33 है, और जैसे यहाँ पे रेड हम अरेंज कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन कहीं पे नहीं की, येलो के ऊपर पिंक, देन एक ब्लू, मतलब ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, फिर ऑरेंज, ब्लू से ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर जो बच्चा सेकेंड में ब्लैक, फिर ऑरेंज के नीचे वाइट, वॉयलेट, रेड, पिंक। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाती है। तो इसका मतलब येलो इस साइड नहीं आएगा, किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ये मतलब है इसका पूरे का। तो बताइए इसी में मैं करूं या आपको एक फ्लैश करवा दूं? अब इसमें पहले मैं इसी में कर देता हूं, देन मैं फ्लैश भी आपको इसी में शो कर दूंगा। तो रेड यहां नहीं आएगा, तो पहले अभी हमें सबसे पहले क्या करना था, वैसे ही चलेंगे हम, बस फिगर थोड़ी अपनी जल्दी हो जाएगी कैलकुलेट। येलो और तीन के बीच में एक, तो तीन और येलो, तो येलो इस साइड आएगा, तो ये येलो हो गया। तो येलो में अब क्या कहा है, GS 15×2=30 और PF 6×9=54 84, ओके, देन यहाँ तक हो गया। येलो में एक हो गया और तीन से ज़्यादा हो गया। सिल्वर क्या है, येलो के ऊपर है, तो सिल्वर को मुझे यहाँ लाना है। तो इसको तो मैं जो लग रहा है इसमें भी अभी मैं नहीं करवा पाऊँगा, एकदम फ्रेश ही आपको दिखाना पड़ेगा ये तो करके। तो जस्ट वेट, तो ये नए वाला मैंने बना लिया इतना, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने उस वाले को यहाँ की बजाय इधर करके वो मैंने किया है, ठीक है। फिर अब कहा गया है इसमें कि ब्लू और ऑरेंज के बीच में एक है, ब्लू यहाँ पे, देन ऑरेंज यहीं पे आएगा। ऑरेंज में कितना था वो कहा गया था उसमें, याद है कुछ? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ऑरेंज में था कि जो ग्लास स्लैब्स हैं वो तो ब्लैक से एक ज़्यादा है, और जो टोटल है वो पिंक प्लस 24 है। तो अभी ऑरेंज का हम नहीं कर पाएंगे, बस इतना कर लेते हैं यहाँ पे 15×6× करके छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो लेंथ हो गई ऑरेंज की, पिंक हो गई, द लेंथ ऑफ वायलेट शेल्फ इज हाफ द लेंथ ऑफ येलो शेल्फ। तो वायलेट के लिए कहा गया इस बार हमें, तो वॉयलेट अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। आगे की देखते हैं वो क्या कहा गया है, पिंक सेल्फ इज जस्ट बिलो द ब्लैक, ब्लैक के नीचे पिंक है, दैट मीन्स कि ब्लैक क्या है, रो नंबर 2 में आएगा, और लिखा भी है कि ब्लैक क्या 2 में है, यहाँ पे आएगा ब्लैक, ब्लैक के नीचे पिंक। तो 15×6×, ठीक है जी। उसके बाद में क्या कहा गया आगे देखें,
ब्लैक वाले में क्या है, सेम है फोटो फ्रेम भी और ग्लास स्लैब का नंबर भी। ऑरेंज में हो ही गया। और रेड सेल्फ, पिंक हो गई। उसके बाद में अभी नीचे वाली रो में अपने कौन से बच गए, भी नीचे वाले तो बेसिकली पूरी ही बची है। फिर कहा गया था कि ऑरेंज के नीचे क्या है, वाइट, ऑरेंज के नीचे वाइट है। ठीक है, अब दो और बची हैं। अब कहा गया कि इसमें रेड और वाइट के बीच में एक है, तो इसका मतलब कॉर्नर वाला रेड हो गया। अभी एक कलर कौन सा रह गया, येलो आ गया, पिंक आ गया, वाइट आ गया और वायलेट रह गया ना। द लेंथ ऑफ वॉयलेट सेल्फ इज हाफ लेंथ ऑफ येलो। येलो की 84 है तो हाफ 42, मतलब 30 और 12। यहां तक तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। अब हमें पिंक, यहाँ पे रेड और यहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज निकालना है। और कहा गया था कि ब्लैक में तो क्या है, दोनों बराबर है। तो 15 गुना और 6 गुना, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऊपर वाले में कम से कम एक का पता चल जाए या नीचे वाले का पिंक। तो थोड़ा सा एक बार फिर से हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हम कहाँ से, वाइट ऑरेंज हो गया, वन सेल्फ हो गई, ब्लैक इज इन टू पिंक, ठीक है। ब्लैक सेल्फ है सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम एंड ग्लास स्लैब, ठीक है। तब ऑरेंज सेल्फ हैज वन ग्लास स्लैब मोर देन ब्लैक, ऑरेंज वाले में ब्लैक से एक ज़्यादा है, कौन सा, जी एस, इस वाले में ऊपर वाले में प्लस वन होएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑरेंज सेल्फ इज 24 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ पिंक, इसको यहाँ पे ऑरेंज में लिख लेते हैं, पिंक प्लस 24 है, ठीक है। वॉयलेट हो गई, रेड सेल्फ हैज ग्रेटर नंबर और इक्वल टू 4 रेड, जिसकी वजह से हम लास्ट टाइम भी हुए थे। और ये वो कौन से वाला है, जी एस यानी ऊपर वाला, 4 से ज्यादा, या 4। लेंथ ऑफ पिंक सेल्फ इज 6 सेंटीमीटर लेस, पिंक की 6 सेंटीमीटर कम है जो उसके बाद में है नंबर में, समझ रहे हो, 33 से 27 है पिंक। अगर ये ऐसा है तो ये तो एक ही आएगा, तो ये आ गया 15, यहाँ पे 2 आएंगे तो ये आ गए 12, ठीक है जी। इसके हिसाब से हम ऑरेंज को कर सकते हैं पिंक 27 करके, ये आ गए 27 और 24 51। तो ब्लैक से अगर रखा गया था तो 3 45 और 1 6 51, तो ब्लैक में कितने आएंगे, 2, और यहाँ पे भी कितने आएंगे फिर, 2, तो मतलब 30 और 6 2 12 42, ठीक है जी। तो हमारे इसका मतलब ऊपर वाली रो 2 तो हो गई है, नीचे का रेड वाला बचा है। तो रेड वाले के लिए ऐसा कुछ बताया गया, बताया गया, बताओ। हाँ, रेड वाले के लिए बताया गया कि 4 से ज्यादा होनी चाहिए ग्लास स्लैब, लेकिन फोटो फ्रेम के बारे में जानकारी नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे जो सबसे लास्ट लाइन है, जो लेंथ है रो 1 की कितनी है, 267 सेंटीमीटर है टोटल। अगर हम इसका लगाएं तो 84 और 27, तो 91 और 20 लगाओ तो 10 जोड़ेंगे 101, 111, 111 और 33, 144, 144 और 42 कितने हो गए,
144 और 40, 184 और 2, 186। तो 186 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 181। तो 81 ये आ गया, इसका मतलब कितने हो गए, 5 यहाँ पे आ गए, 1 यहाँ पे आ गया, तो 75 और 6, 81। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों पार्ट इसमें दिखा दिए कि एक बार जब हम इधर लेके आए थे येलो को तो जैक हो चुका था, और इधर लेके आए तो वो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये वाला भी पूरे पार्ट बन चुके हैं, ये वाले भी पूरे पार्ट बन चुके हैं। तो ये था आपका मे बी SBI मेन्स का एग्ज़ाम्स का था ये क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि आप इसको ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करवाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली वजह से अपनी लास्ट क्लास होगी, तो उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर किसी के लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट करवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूँ मैं। तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आएंगे। और अभी तक आपने हमारा वीडियो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।